Namaste dear friends, followers, professionals. Welcome to Day Today. Thank you very much for your love and support for the earlier session, which was about the decision of MoSPI to change the base year of calculation of major macroeconomic variables. बहुत अच्छी फीडबैक आप सबसे मिली, बहुत बहुत धन्यवाद. आज डे टू डे में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम लेंगे जो भारत के भविष्य के लिए अगले 10 सालों में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. अवर बिगेस्ट नेबर, हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और हालिया हमारा बहुत गहरा मित्र तो नहीं, शत्रु भी नहीं, लेकिन बड़ा तनातनी वाला रिश्ता लिए हुए चीन एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, विच इज द कम्युनिस्ट रिपब्लिक, हैविंग एन अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वेयर द वन पार्टी रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, एक दल का शासन है चीनी साम्यवादी दल का, उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि सामान्यतः वहां के राष्ट्रपति महोदय को जो दो टर्म्स की लिमिट दी जाती हैं, दो कार्यकालों की सीमा की अवधि होती है जिसके बाद उन्हें रिटायर होना ही होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति महोदय को दो टर्म्स के बाद भी, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय को दो टर्म्स के बाद भी जारी रहने दिया जाए कार्यकाल को. वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग साहब, शी चिनफिंग भी कहते हैं. श्रीमान शी 2012-13 में सत्ता में आए, उसके पहले हु जिनताओ थे. शी जिनपिंग साहब ने सत्ता में आते ही कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने चीन की अगले 30 साल की रणनीति जग जाहिर कर दी है. द डिसीजंस टेकन बाय शी जिनपिंग इन द पास्ट 5 ईयर्स हैव बीन रिफ्लेक्टिव ऑफ द ओवरऑल ग्रैंड गेम दैट चाइना वांट्स टू प्ले इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स. एंड व्हाट इज दैट ग्रैंड गेम? टू टोटली फर्स्ट कम टू टर्म्स विद अमेरिका एंड कम एट पार विद अमेरिका इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, पार, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, एंड देन टू सरपास अमेरिका एवरीवेयर. India as on date has no such strategy. We don't have any grand strategy like that. For many good reasons. वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर बात करेंगे. और आप आपके सजेशंस देते रहिए, मैं और क्या क्या विषय लेता जाऊं. In the past 5 years, Xi Jinping took decisions like launch of OBOR, One Belt One Road, which was renamed as Belt and Road Initiative due to a lot of opposition. Extreme pressure on the ASEAN nations and claiming the entire South China Sea as China's. वो तो खैर पहले से दावे थे, लेकिन अब उन्होंने उसको मूर्त रूप दे दिया. पूरी कृत्रिम द्वीप समूह बना दिए वहाँ पे, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, और उस पर मिलिट्री तैनात कर दिए. जो सैटेलाइट से अब सब दिख रही है, भारत के सैटेलाइट भी सब देख लेते हैं. तो छुप तो कुछ भी नहीं सकता, और चाइना छुपाना भी नहीं चाहता है. भारत के साथ रिश्ते डोकलम इत्यादि, और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट जिससे हम LOC के ऊपर देख रहे हैं. पाकिस्तान रोज बमबारी कर रहा है, भारत की सेना डबल बमबारी कर देती है. बात वो नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान की हिम्मत खोलने में चीन ने सबसे बड़ा रोल अदा कर दिया. इस तरह के जो बहुत सारे निर्णय, ये तो मैंने 3 ही बताए, ऐसे 30 हैं शी जिनपिंग साहब ने लिए, वो दिखाते हैं दैट चाइना विल नॉट बी कंटेंडेड विथ रीजनल पावर स्टेटस. दे वॉन्ट टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड. Although their communist model is coming in the way of it, and the Western society will never accept China as the leader of globalization, so to say, because their whole model is about suppression of the human spirit. Economically, they are superior, no doubt. भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, $12 trillion, हम हैं $2.5 trillion पर. GDP के आकार की बात कर रहा हूँ, nominal dollars में. अब जब उन पे दो terms की limit हटा दी गई है, इसका मतलब Chinese Communist Party के इरादे क्या हैं? एक ऐसी पार्टी जिसने 1949 के बाद से आज तक, सबसे पहले लीडर माओ ज़ेडोंग, दूसरे लीडर डेंग शाओपिंग 1979, पहले लीडर 1949, वन हु एस्टैब्लिश चाइना, द सेकेंड लीडर डेंग शाओपिंग 1979, द थर्ड लीडर जियांग ज़ेमिन 1993-94, फोर्थ लीडर हु जिनताओ 2002, एंड द फिफ्थ प्रेजेंट लीडरशिप शी जिनफिंग. आज तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक राग हमेशा लापती रही, कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व. अब जब यह निर्णय हो गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करेंगे और ये दो टर्म की लिमिट हट जाएगी, सो दे हैव अपेरेंटली सैक्रीफाइज दैट नोशन ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप टू फेवर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन. द इंटरेस्टिंग थिंग इज मिस्टर शी जिनपिंग हैज बीन
taking charge of almost all the institutions. He already is the president of China. He already controls the Communist Party of China as the general secretary and as the member of the standing committee of the Politburo. He is the chairman of the Central Military Commission. तो आपके हाथ में सरकार, पार्टी, सेना तीनों आ गई. उसके अलावा he is the chairman of everything. And now he is the leader forever. So this chairman of everything and leader forever will pose very interesting challenges to India, which is a democratic polity. और उनका रुख अभी तक जो रहा है, जो हमने दोकलम में भी देखा, ये रुख बड़ा सकारात्मक तो नहीं कहलाया जा सकता. दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में उनकी पूरी पैठ है. नेपाल में नई सरकार जो माओवादियों की और ओली साहब की है वो प्रो चाइना है. बांग्लादेश में चीन लगातार डोरे डालते रहता है. म्यांमार में चीन की पकड़ है. श्रीलंका में हम्बन टोटा चीन ले चुका है. मालदीव्स का राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला चीन की तरफदारी करता है. इस तरह से चारों तरफ चीन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है. ओवरऑल एज दिस टर्म लिमिट गोस, इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू चीन के लिए ये हो सकता है दैट द वेरी ऑर्डरली ट्रांजिशन विच यूज टू हैपन इन सच अ बिग एंड अ पावरफुल कंट्री विल नाउ नो लॉन्गर हैपन. What happens in 2027 could actually be that there is a huge internal power struggle and the whole delicately poised balance within that party is lost, which could have many other repercussions and implications. तो ये कहानी थी the unlimited extension of the tenure of Xi Jinping की. कैसी लगी आपको ये डे टू डे की आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ this will help everyone get a good handle on a very interesting and an important topic from the Indian perspective. Do keep suggesting what are the other topics that you would want me to cover. This day today is designed to help everyone understand crucial and complex topics. I'll be back soon with the next lesson. Namaste, Jai Hind.